हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक आप बड़ोदरा का नया एटीएम कार्ड प्राप्त किए हैं या आपको मिला है, ठीक है, या उसका पिन भूल गए हैं, उसको कैसे पिन को जनरेट करते हैं, मतलब उसको नया कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जब भी एटीएम कार्ड नया मिलता है तो उसके साथ पिन बन के नहीं आता है, पहले बन के आता था, पर अभी अपने मनपसंद पिन को क्रिएट करना पड़ता है, मतलब उसको बनाना पड़ता है, और बनाने के बाद आप कभी भी उस पिन को यूज कर सकते हैं पैसा निकालते वक्त या पैसा ट्रांसफ़र करते वक्त। तो पिन को कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको नज़दीकी एटीएम मशीन पर जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन पर जाने के बाद अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करना है। एटीएम मशीन में स्वाइप करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, तो अभी हम इंग्लिश में बताएंगे, तो चलिए हम इंग्लिश पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एंटर पिन और सेट री जनरेट पिन। तो आपको नीचे वाले पर सेट री जनरेट पिन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोलेगा एंटर योर 14 डिजिट का आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको फिल करना है, मतलब उसमें आपको डालना है। तो जब भी आप एटीएम मशीन जाइएगा, पिन सेट करते आपको अकाउंट नंबर लेके जाना है, अपना अकाउंट नंबर डाल के आपको करेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे करेक्ट पर क्लिक करेंगे तो री एंटर वो अकाउंट नंबर आपसे बोलेगा री एंटर डालने के लिए। तो आपको री एंटर मतलब वही दोबारा आपको अकाउंट नंबर डालना है कीपैड की सहायता से, और डालने के बाद फिर से आपको करेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है, उसके बाद प्लीज़ एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो आपका अकाउंट से रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर वही आपको डाल देना है, और डालने के बाद प्रेस करेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो यह है कि जो आपका रजिस्टर्ड है मोबाइल अकाउंट से वही डालिएगा। तो डाल के आप प्रेस करेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो प्लीज़ एंटर वन टाइम पासवर्ड OTP। तो आपके जब मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रेस करेक्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 4 डिजिट का एक पासवर्ड आएगा, OTP आएगा 4 डिजिट का। तो मोबाइल भी लेके जाएगा क्योंकि उस पर OTP आएगा। OTP आपको डाल देना है, और डालते ही आपको प्लीज वेट, आपको कुछ वेट करना है। उसके बाद प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन। तो आपको मनपसंद कोई भी पिन बना लेना है, जो भी आपको भविष्य में आपको याद करके रखेंगे, मतलब याद करके रख सकते हैं, वही आपको पिन सेट करना है अपने मनपसंद, जैसे कि 2, 4, 5, 6, जो भी आपको याद करके रखना है वही डालिएगा, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद पड़े वो आपको डाल देना है। चलिए हम डाल देते हैं, और डालने के बाद फिर से प्लीज़ री एंटर, मतलब ये बोल रहा है कि जो अभी डाले हैं पिन उसको फिर से दोहरा दीजिए, ठीक है। तो आपको री एंटर डाल देना है, तो जो अभी डाले रहेंगे आपको री एंटर डाल देना है। चलिए हम डाल देते हैं, और डालने के बाद प्लीज़ वेट, आपको कुछ वेट करना है। पिन चेंज सक्सेसफुल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा, और आपका पिन इस तरह सेट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। आप इसी के थ्रू समझ गए होंगे कि पिन को कैसे नया बनाते हैं, या पिन भूल गए हैं तो उसको कैसे सेट करते हैं। तो सबका प्रोसेस एक है, तो हो सकता है कि वीडियो हमारा पसंद आपको ज़रूर आया हो, और इस वीडियो को मैं एक एडिट करके बनाया हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं 6 दिन लगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो ATM मशीन से भी आपको दिखा सकता हूँ, पर उसमें थोड़ा थोड़ा समझ में बहुत से लोगों को नहीं दिखता है, इसके लिए मैं इसको 6 दिन मेहनत करके बनाया हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।